को संभालिए माताश्री। देखिए आपके पुत्र भरत यहीं आ रहे हैं। क्या? नहीं, नहीं पुत्री, उसे वहीं रोक दे, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। उसे वहीं रोक दे, वहीं रोक दे उसे, मत आने दे, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। माताश्री, माता, मुझे माता कहकर मत पुकारो पुत्र, मैं संबोधन के योग्य नहीं हूं, मैं तो बापन हूं, अभागन हूं। मेरे लिए तो आप केवल माता हैं। यह संबंध ईश्वर ने बनाया है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता माताश्री। सब अनर्थ हो गया, सब अनर्थ हो गया, और इस अनर्थ का कारण केवल मैं हूं, केवल मैं। मैंने हंसती अयोध्या को रोती अयोध्या बना दिया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे तो कोई क्षमा भी नहीं करेगा। किंतु माता, मैं तो आपसे क्षमा मांगने आया हूं। क्षमा? हाँ माता। मुझसे क्षमा? हाँ। जिसने स्वयं एक जघन्य अपराध किया है उससे क्षमा? जिसने एक बसे बसाए परिवार की एकता भंग कर दी उससे क्षमा? जिसने अपने स्वार्थ की अग्नि में अपने सुहाग तक को भस्म कर डाला उससे क्षमा? नहीं पुत्र, नहीं, मैं किसी को क्षमा करने के योग्य ही नहीं रही। मैं तो दंड की पात्र हूं, मुझे तो दंड मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। नहीं माता, जिस दिवस कोई पुत्र अपनी माता को दंड देने की बात भी सोचेगा उसी दिवस कलियुग का आगमन होगा। अपराध तो मुझसे हुआ था। उस दिवस जब मैं ये भूल गया कि मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पर चलने की सौगंध दिखाई थी, और फिर भी आपके प्रति मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर बैठा, माता, माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए माता। पुत्र, पुत्र, तो ये सब मेरा मन रखने के लिए कह रहा है ना? अन्यथा मुझसे कोई क्षमा क्यों मांगे? मैंने तो पाप किया है, मैंने तो अपने उस पुत्र को वनवास भेज दिया जो हर घड़ी माता माता कहकर मुझ पर न्योछावर होता था, जो अपनी माँ को भूलकर मेरी गोद में समा जाता था। मैंने तो उस पुत्र को, अपने राम को, वन वन भटकने पर विवश कर दिया। मैंने तो पाप किया है, मैं अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करूं, कैसे करूं? माता, प्रायश्चित संभव है। जो भूल हमसे हुई है उसे सुधारा जा सकता है। कैसे पुत्र, कैसे? मैं भ्राता श्री राम को ढूंढने जा रहा हूं माता। मिलने पर उनसे विनती करूंगा कि वो अयोध्या लौट चले, किंतु ये तभी संभव है जब आप भी मेरे संग चले।
वो आपकी बात कदापि नहीं टालेंगे। केवल आप ही हैं जो उन्हें अयोध्या लौटा सकती है। चलिए माता, हम अपने अयोध्या की बिगड़ी हुई स्थिति पुनः संवार लें। तो चल पुत्र, चल, अभी चल। मैं अपने राम के पास जाऊंगी, उसे अपनी प्यार की दुहाई दूंगी। मेरा राम जहां भी हो, मैं उस तक पहुंचना चाहती हूँ। वन, पर्वत, समुद्र, अब कोई मेरी राह नहीं रोक सकता, अब कोई मेरी राह नहीं रोक सकता। तेज, वही प्रताप जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ ने धर्म संसद में किया था। मानो ब्रह्म की शक्ति ने मानव रूप धारण कर लिया हो। चिरंजीवी भव। सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव। गुरुदेव, प्रणाम। गुरुदेव, प्रिय शिष्यों, स्मरणीय है आज का दिन। आज हमारे आश्रम में वो पधारे हैं जिनके पावन चरण छूने से पत्थर भी नारी बन जाता है, जो इस संसार को पुरुषार्थ और मर्यादा की सीख देते हैं। आज इनके आने से हमारा आश्रम प्रकाश में नहा रहा है। नहीं मुनिवर, इस आश्रम में जो प्रकाश है वो आपके फैलाए हुए ज्ञान का है, उस संयम का है जिसकी आप शिक्षा देते हैं, उस तप का है जिसके कारण समस्त संसार आपको मुनि श्रेष्ठ कहता है। हम तीनों आज यहां आकर धन्य हो गए। शिष्यों, अतिथियों के विश्राम का प्रबंध करो। जो आज्ञा गुरुदेव। यहां से कहां जाने का निश्चय किया है? मुनिवर, यहां से हम चित्रकूट जाना चाहते हैं। पधारिए है।